नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ वोकल मिक्सिंग फॉर्मूले के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिक्सिंग वगैरह करते हैं, वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि पहले मैं जो वोकल जो मिक्स करूँ तो उसमें मैं पहले ईक्यू करूँ, ऑटो ट्यून लगाऊँ या कंप्रेशन लगाऊँ, ये बहुत बड़ी एक उलझन सी होती है। तो मैं उसको बताऊँगा क्रम से कि कौन से प्लगइन्स को पहले लगाएं और कौन से प्लगइन को बाद में लगाएं कि मेरा वोकल सही तरह से मिक्स हो। तो एक ये मेरा डमी है और मुझे इसका म्यूज़िक बनाना है, तो मैं थोड़ी सी सुना देता हूँ आपको। इसमें मैंने इस जो वोकल को मैंने जो रिकॉर्ड कर रखी है जान से कुछ इसमें आप नॉइज़ है इसमें। आपको मैं बता दूं कि जब वोकल वगैरह मिक्स हम करते हैं तो उसमें काफ़ी नॉइज़ आती है। द रीज़न कि जो सिंगर जो गाना जो गाता है जिस हेडफोन से, उस हेडफोन की भी आवाज़ माइक में रिकॉर्ड हो जाती है, या अगर आपके पास अच्छे एकॉस्टिक रूम नहीं है तो उसमें से भी शोरगुल उस रूम में चले जाते हैं, राइट, उसी कारण भी। तो पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो नॉइज रिकॉर्ड हुआ है उसको हमें हटाना होता है, सबसे पहले नॉइज को। यानी पहले हम क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं। क्लीनिंग के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पर और हमारे पास गेट करके एक प्लगइन आता है, उस गेट प्लगइन को हम लगाएंगे। ये देखिए इसका इनबिल्ट है गेट प्लगइन, इससे जो भी नॉइज है इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो शोरगुल बाहर से जो, जैसे कि ये देखिए मैं आपको एक बार सुना देता हूँ ये। राइट, तो इसको कम करने के लिए गेट प्लगइन का यूज किया जाता है। वेव्स का भी है, वेव्स में अगर आप मैं आपको बात करूँ तो NS1 है, एक्स नॉइज करके आता है, आप उसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गेट लगा लिया, उसके बाद पिच करेक्शन करना है, हमें ऑटो ट्यून लगाना है। और ऑटो ट्यून लगाने के बाद अगर सिंगर ने थोड़ी बहुत अगर गड़बड़ की होगी तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा ही बेसुरा सिंगर होगा तो आपको यहाँ से जाके डबल क्लिक करके वेरी ऑडियो पे पिच करेक्शन पे जाके यहाँ मैनुअली आपको सेट करना होगा सारे सुर को, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि गेट यूज़ करना है, ऑटो ट्यून यूज़ करना है, उसके बाद आपको एक सब्ट्रैक्टिव ईक्यू लेना है। ईक्यू का मतलब कि अब मैं फैट फिल्टर का ही लेता हूँ, आप मैं ज़्यादातर ये यूज़ करता हूँ, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी ईक्यू यूज़ कर सकते हैं। ये जो है सब्ट्रैक्टिव ईक्यू में हम सबसे पहले जितने भी मड होते हैं यानी जो बैड फ्रिक्वेंसी है जो हमें नहीं चाहिए उसको हम कट करते हैं, राइट, सबको हम कट करते हैं। यहाँ पे लो कट करते हैं जो कि फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं होती, सबको हम कट कर देते हैं, राइट, जो हमें फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए जो हमारे कानों को चुभ रही हैं, राइट। उसके बाद अगर जो अगर सिबलिंग साउंड है जैसे सा ऐसे कोई होता है, छ छ छ ऐसे साउंड्स, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम डिरेजर का यूज़ करते हैं। अगर है तो इस तरह का साउंड तो आप डिरेजर का यूज़ कर सकते हैं, अगर ऐसा साउंड नहीं है तो इससे यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप जैसे मैंने नॉइज़ लगाया, अगर आपका वोकल इतना ही क्लीन रिकॉर्ड हुआ है तो इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें समझना है कि कौन सा प्लगइन किस लिए यूज होता है, तो हम आराम से उसे लगा सकते हैं, हमें दिक्कत नहीं होगी, राइट। ड्रेजर यूज करने के बाद उसके बाद हमें कंप्रेशन यूज करना है। कंप्रेशन में मैं ये बताने के लिए लगा देता हूँ, अगर आपके पास वेब्स का है तो वेब्स का यूज कर सकते हैं, राइट। कंप्रेशन के बाद आपको फिर से एक ईक्यू करना है। ईक्यू मतलब आपने एक ईक्यू किया, इसका तो कटिंग वाला काम किया है, अब एक जो होता है जो अच्छी फ्रिक्वेंसी है उसको हमें बूस्ट करना होता है। मतलब कि मैंने यहाँ पे लिया और जो भी जो अच्छे फ्रिक्वेंसी हैं
जो हमारे कानों को अच्छी लग रहे हैं सुनने में, उसको हम बूस्ट करते हैं। अगर ये नहीं लेना चाहते तो हम यहाँ से भी इसको बूस्टिंग का काम कर सकते हैं। तो हमने अभी क्या लगाया, गेट लगाया जिसमें जो शोरगुल की आवाज़ है वो कम, ऑटो ट्यून पिच के लिए टोन सही करने के लिए, फिर एक इक्यू लिया ताकि मैं जितने भी मड़ी है उसको या जो भी बैड फ्रिक्वेंसी उसे मैं काट सकूं, ये जो सिबलिंग्स जो साउंड है उसको मैं कम कर सकूं। आपको शायद डिरेजर के बारे में मालूम ना हो कि किस लिए यूज़ होता है, या गेट साउंड अगर आपको क्लियर हो, तो मैं धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा जो एक एक प्लगइन के बारे में बताऊंगा कि इसका किस तरह से सही तरह से हम यूज़ करेंगे, राइट। उसके बाद जब आपने इक्यू कर लिया, एक और हम कंप्रेशन लेंगे। कंप्रेशन हम आरवॉक्स लगा सकते हैं, तो मैं वेब्स में जाता हूँ और मेरा मोनो में अभी कर रहा हूँ मैं मिक्सिंग, तो मैं मोनो में जाके मैं आरवॉक्स प्लगइन को सिलेक्ट कर लूँगा मैं, राइट। अगर आप ग्रुप में स्टेरियो कर रहे हैं तो आप स्टेरियो लेंगे, अगर आप मोनो में कर रहे हैं तो मोनो प्लगइन को यूज़ करेंगे। अब देखिए ये जो मैं क्रम से बताया, सॉरी, इसको आप अगर इस तरह से यूज करेंगे तो आपका वोकल बहुत बेहतरीन मिक्स होने वाला है। इसका प्रभाव पड़ता है कि अगर किसी प्लगइन को आप सही क्रम में यूज नहीं करेंगे तो उसमें भी आवाज में इफेक्ट पड़ते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे जो है आप जानते होंगे कि इफेक्ट्स चैनल ऐड करना है, आप राइट क्लिक करके एड इफेक्ट्स चैनल पे जाएंगे और यहाँ पे रिवर्ब और डिले को यूज कर सकते हैं। एक रिवर्ब ले लीजिए, फिर डिले के बाद मैं यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे पहले हम यूज़ करेंगे रिवर्ब, सॉरी डिले, उसके बाद हम यहाँ पे रिवर्ब यूज़ करेंगे। बहुत केस में आप रिवर्ब को भी पहले यूज़ कर सकते हैं, आपको क्या अच्छा लग रहा है डिपेंड वो करता है। अगर यहाँ पे भोजपुरी वगैरह में क्या होता है, हरियाणवी में, कि अगर मान लीजिए यहाँ से आपका काम नहीं बन रहा है, फिर भी जो वेट आपको साउंड चाहिए, देखिए मिक्सिंग करते समय पहला क्लीनिंग प्रोसेस होता है। क्लीनिंग का मतलब वोकल को एकदम क्लीन क्लीन करना। ड्राई इफेक्ट में आते हैं जैसे आपका कंप्रेशन वगैरह, ईक्यू आ गया, और एक होता है वेट इफेक्ट्स। वेट में आपका रिवर्ब है, डीले है आता है। तो अगर यहाँ से आपका काम नहीं बनता है तो आप इधर भी एक डिले या रिवर्ब वगैरह यूज कर सकते हैं, करेक्ट। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि वॉल्यूम अगर अगर मान लीजिए वोकल अच्छी तरह से रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो इसका जो है लेवल जो है ज़्यादा अप डाउन होता है, जैसे कि कहीं आपका आवाज़ ज़्यादा है कहीं कम है, तो उस केस में आप वोकल ऑटोमेशन का यूज़ कर सकते हैं। वोकल ऑटोमेशन अगर आप नहीं जानते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल यूज़ करते हैं ताकि मेरा आवाज़ जो है कि अगर थोड़ी बहुत है तो चल जाएगा कंप्रेशन से भी, अगर ज़्यादा है तो आप जो है वोकल ऑटोमेशन यूज कर सकते हैं, या फिर एक वोकल राइडर प्लगइन आता है, राइट, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, राइट। वोकल राइडर प्लगइन वो क्या करता है, जो जहाँ पे आपका आवाज़ अगर कम रहेगा उसको, यानी एक वोकल को लेवल में कर देता है ताकि मेरा आवाज़ कहीं अप डाउन ना हो। सो ये मेरा बताने का पर्पस था कि अगर आप बिगनर हैं या इंटरमीडिएट लेवल के हैं तो आप ये समझ सकें कि वोकल मिक्स करते समय आपको ये डाउट ना रहे कि कब कौन सा प्लगइन लगाऊं, राइट। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा डेफिनेटली मैं वेव्स के प्लगइन से भी वोकल को मिक्स करूंगा, और जो इनबिल्ट जो क्यूबेस के जो प्लगइन हैं उस पर भी मैं वोकल मिक्स करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि प्रोफेशनली हम कैसे करते हैं। जैसे हमने बात करी जी डिरेजर गेट कैसे यूज होते हैं, सेचुरेशन के बारे में बात करेंगे, वोकल ऑटोमेशन के बारे में बात करेंगे कि क्या होते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।